हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये है मेरा सेकंड बेबी यश। तो आप लोगों में से कई लोगों को मैंने मतलब क्वेश्चन किया था रॉकर के बारे में। मैंने एक वीडियो शेयर किया था रॉकर वर्सेस घोड़ियों या झूला क्या लेना चाहिए, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी किसी ने पूछा ही था। तो उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आने लगा कि रॉकर हमको लेना है तो उसका एक डिटेल रिव्यू बताऊँ मैं कि वो कैसा है। मैं यूज़ कर रही हूँ उसको अराउंड 5 ईयर्स से, 2017 से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, तो तब से अभी तक वो मेरा इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो उसके बारे में क्या फीचर्स है और क्या उसका रिव्यू है, वो सब चीज़ों के लिए बहुत आप लोग पूछ रहे थे। बट वही है ना कि यार, बच्चों के साथ में दो दो बच्चे हैं तो टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है। बट आज मैंने वो वीडियो शूट किया है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो आप वो वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि आपको ये प्रोडक्ट वर्दी है कि नहीं, आपको लेना है कि नहीं। और चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉकर दिखाती हूँ, ये डिसेंबल फॉर्म में है, अभी इसको अरेंज करना है। तो ये सारा कुछ है ना, यहाँ से ये सब खुल करके जब आता है ना तो सारे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। तो ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ तो सब कुछ फिक्स है। तो ये मेन बॉडी है और उसके बाद इसमें इस तरीके का एक पाइप रहता है, ये देखिए, इस मेटल का ही है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। मतलब ये 5 सालों से यूज़ हो रहा है लेकिन आप देख सकते हो कि एकदम नए जैसा ही है। तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है कुछ इस तरीके से, इसमें जा कर के। अभी मैं फिक्स ओके तो कोई आ गया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं बता रही थी आपको कि ये यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अभी मैं जब लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये लग जाता है, ये क्लिप है, इसको दबा करके आप निकाल सकते हो और लग जाता है। तो ये वो कपड़ा है जो इसके ऊपर यहाँ पर मैं फिक्स करूँगी, अभी करके आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। पीछे इसमें बैक सपोर्ट रहता है, यहाँ कार्डबोर्ड जैसा कुछ लगा रहता है जिसकी वजह से बैक सपोर्ट रहता है। और ये फुली वॉशेबल है तो मैं इसे कईयों बार, मतलब 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो कईयों बार मैंने RF के लिए भी यही यूज़ किया था। तो काफ़ी टाइम हमने इसको वॉश किया, यूज़ किया और अभी यश के लिए भी यही यूज़ हो रहा है। तो इसका जो भी क्वालिटी है, अंदर जो भी चीज़ है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल भी इसमें कहीं कोई मतलब मुझे कोई कंप्लेन इसमें है नहीं। तो मुझे इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है यहाँ पर ऐसे। और इसमें हर तरफ से ना आपको इस तरीके से देखो सिक्योर बेल्ट्स मिलती हैं, पीछे आगे सब जगह से, तो आप इसे आराम से वो कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे फिक्स करके फिक्स कर देती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि और इसके क्या फीचर्स हैं। तो जब तक ये असेंबल हो रहा है तब तक आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके मुझे बताइए। एंड येस, अगर आपको मॉमी केयर, बेबी केयर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स मेरी रिकमेंडेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए अलग अलग कैटेगरी से, तो आप चेक कर सकते हो और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये देखिए बहुत ही क्विकली 5 मिनट में बहुत ही आसानी से ये जो रॉकर है असेंबल हो जाता है। मेरा पूरा मैंने असेंबल कर लिया है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर बच्चा जो है वो लेट जाएगा। और इसमें मैं आपको फीचर्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ना एक ऐसे रॉड जैसा मैं पिक्चर लगा दूंगी, क्योंकि मेरी रॉड जो है ना वो खो गई है, कहीं रखी हुई है, मतलब मुझे मिल नहीं रही है। तो हमारा ऐसे ही चल जाता है क्योंकि मतलब अभी सेकंड बेबी है और मैं ऐसे फर्स्ट बेबी के टाइम जब यूज़ करती थी तब मेरे पास सब कुछ था, बट अभी थोड़ा सा है, मतलब रखने में कहीं आ गया है। तो ये है यहाँ पर और यहाँ पर वो लग जाता है तो बच्चे इससे आराम से इंगेज होता रहता है। RF के टाइम पर था तो RF बहुत खेलता भी था उससे। उसके बाद यहाँ पर एक फीचर ये मिलता है इसके अंदर ना, यहाँ पर ये देखिए है वाइब्रेटर है, ये मतलब ऑन कर दो तो ये वाइब्रेट करता है, तो बच्चा आराम से फिर मतलब जब सोना वोना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने इसे यूज़ किया था, एक दो बार यूज़ किया था। इसमें बहुत बड़ी वाली बैटरी यहाँ पीछे लग जाती है, पीछे साइड यहाँ खुलता है तो यहाँ पर बैटरी लग जाती है, बट वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता था तो मुझे उतना उसका बेनिफिट नहीं लगा और बार बार बैटरी चेंज करना मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा। तो मैं ये फीचर इसका यूज़ नहीं करती हूँ, बट इसके साथ में वाइब्रेशन मोड मतलब आता है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी। स्टार्टिंग में बच्चे मतलब 3-4 मंथ्स का होता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब वो पलटने करने लगता है ना तब डर लगता है कि कहीं वो उसमें से गिर ना जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट इसके साथ में मिलती है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों को ऐसे करके आप छोटा बड़ा एडजस्ट करके लगा सकते हो।
तो आराम से बच्चा सिक्योर रहता है, गिरने का डर नहीं रहता है। अब इसमें ना दो तीन स्टेजेस हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है, लेकिन जब इसमें हम ये बेल्ट लगा देते हैं इस तरह से, तो ये जो है ना अब ये गहरा नहीं है, पहले ये गहरा था अब ये गहरा नहीं है। तो बच्चों की जब स्टेज बदलती है ना, जब वो एकदम छोटे होते हैं तब उनको एकदम जितना हो सके आपको इस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ये जो नीचे गहरे वाला था, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेट रहते हैं। लेकिन जैसे थोड़े बड़े होते हैं, बैठना बैठना चालू कर देते हैं 9-10 मंथ्स के होते हैं, तो उनको ये पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है। तो पोजीशन आपकी इस तरीके से दो, मतलब गहरा और फ्लैट दोनों पोजीशन आपको मिलेगी इससे। उसके अलावा आप ना इसे चेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये यहाँ पर एक बटन है, इसको खोलेंगे हम तो ये और ऊंचा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी खोल दिया मैंने, तो ये काफ़ी ऊंचा हो गया और ये और अच्छे से रॉक करेगा, रॉकर मोड पे आ गया है तो ये बहुत अच्छे से रॉक करेगा, ठीक है। तो जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसको मैं दबा देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कन्वीनियंटली। तो ये एक चीज़ हो गई, और उसके अलावा आप इसे चेयर जैसा भी बना सकते हो यहाँ से खोल करके, ये यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है, ये ऐसे पीछे से ये ऐसा रहता है और साइड से आगे से ये कुछ ऐसा रहता है। तो अब क्या है कि इस पर अगर बेबी बैठा हुआ है तो ये हिलेगा नहीं, क्योंकि पीछे उसका स्टैंड लग चुका है। और अगर आप इस तरीके से इसको कर देते हैं, ऐसे चारों ही अगर आप खोल देते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छे से चेयर के जैसे बन जाता है। ये देखिए ऐसा, तो ये बड़ा बच्चा भी होता है ना, 3 इयर्स का 4 इयर्स का होता है, तो वो भी इस पे आराम से बैठ सकता है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ होता है। मैंने आरफ को, उसको 4 इयर्स तक का था जब आरफ, तब इस पे बैठता था। फिर उसके बाद मैंने जब मेरा मतलब कंसीव कर लिया था, फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था कि सेकेंड बेबी भी इसको यूज़ करेगा। तो ये इस तरीके से, मैं आपको यश को बैठा के भी दिखाती हूँ इसमें। तो ये देखिए बैठने के बाद बच्चा ना बहुत ही अच्छे से सिक्योर भी हो जाता है और इंजॉय भी करता है बहुत। आप यश को देख ही सकते हैं। तो मैं इसकी जो भी सेटिंग मैंने आपको दिखाई थी सब नॉर्मल कर देती हूँ। और अभी इस रॉकर को मैं यश के लिए यूज़ कर रही हूँ, मतलब 1 मंथ का वो हो गया था, उसके बाद से मैं उसको उस पर बैठा रही हूँ, आराम से वो यूज़ कर रही हूँ। तो आरव के लिए भी ये 1 मंथ का जब था तभी ख़रीद करके आया था, उसकी मौसी ने उसको गिफ्ट किया था तब, तो 1 मंथ का था तब से यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी अपने न्यूबॉर्न बेबी को आराम से इसमें बैठा सकते हैं, लेटा सकते हैं, बट एक बार पोजीशन देख लीजिए कि बच्चा सही पोजीशन में जाकर के लेटा हो। तो यहाँ देखिए हम लोग उसको खिला रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा अपने हाथ पैर मारता है, ये इतना छोटा होता है तो हाथ पैर ज़रूर मारता है, तो जैसे ही वो हाथ पैर मारता है तो ये रॉकर जो अपने आप ही रॉक करने लग जाता है। और बच्चे को अगर नींद नहीं आ रही हो, सुलाना हो, तो आप इस पर आराम से सुला सकते हो। मैंने कई बार यश को इस पर सुलाया है, और जब वो मूव वगैरह करने लग जाते हैं ना तो आपको छोड़ के जाने में डर लगता है, तो उस सिचुएशन में आप इस रॉकर में बच्चे को बैठा करके और अच्छे तरीके से उसकी बेल्ट वेल्ट लगा करके कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो बच्चे का गिरने का और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से आप, मतलब आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो वो खिलौना लगा रहता है ना, तो उससे बच्चा जो है जैसे अभी मैंने करके दिखाया ना, वैसे यहाँ पर ऑटो पे होता है, तो बच्चा आराम से ऐसे ऐसे हिलता रहता है और रॉक करता रहता है। तो अभी फिलहाल वो बहुत छोटा है, तो मैं इसकी पोजीशन ये वाली डाउन करके ही इसको रखती हूँ, बट जैसे अभी जैसे ये थोड़ा सा अभी 6 मंथ का हो जाएगा, फिर मैं इस पोजीशन में इसको रखूँगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपका बच्चे का फिजीक कैसा है और वो किस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बच्चों का अलग अलग रहता है, जैसे ये आरफ था तो थोड़ा उसकी फिजीक ज़्यादा अच्छी थी, तो हमने जल्दी ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी, बट इसके साथ मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहे, बट ऐसा है, मतलब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और फीडिंग वगैरह कराने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मैंने तो खाना खिलाने के लिए, फीडिंग कराने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये रहता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पोजीशन ऐसे बन जाती है, ऐसे में अगर आप बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो पी पाते हैं। क्या हुआ? और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं बच्चे। तो आप ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और ये फुल पैसा वसूल है, मतलब मैंने एक बच्चे के साथ तो वसूला ही है, अभी दूसरे के साथ भी ये इतना ही अच्छे से, इसमें कहीं कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से ये मतलब है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और काम भी करता है ये।
तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी कमेंट्स में, आप पूछ लेना। और बस ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज यहाँ पर मैं इसी तरीके के ऑनेस्ट रिव्यूज़ और अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब शेयर करती हूँ। और मेरा व्लॉग चैनल भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देखिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, आपको मज़ा आएगा मेरे व्लॉग्स देखकर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।